Where? There is no counter over there, ma'am. I have gone there. 50 minutes, yeah. Since we are 40 minutes, ma'am. 9:08 the flight has landed. Now it is 9:50. Now 50 minutes. Last 30 minutes you are saying the luggage has come. Where is the luggage? Tell the exact thing. No. If any problem, just tell it. We will sort it out. हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 25th ऑफ जैन और मैं हूँ अभी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये मेरी पहली फ़्लाइट है इस वाले एयरपोर्ट से। आपने इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट से मेरी जर्नीज देखी है, लेकिन कभी भी इस वाले एयरपोर्ट से नहीं देखी होगी। एंड ये अभी अभी बना है, ये नॉर्थ गोवा में है। तो अगर आप थिवेम में रहते हो, पेरनेम में रहते हो या फिर करमाली साइड कहीं रहते हो, तो आपके लिए यहाँ से फ़्लाइट पकड़ना सबसे ज़्यादा फीसिबल है, ठीक है ना। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे विस्तार से कि भाई ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट कैसा है एंड हमारी जो जर्नी है गोवा से बैंगलोर की वो कैसी रहती है, चेक इन से लेके सिक्योरिटी से लेके लाइक एवरीथिंग हम देखेंगे इस वाले वीडियो में एंड कंपेयर करेंगे बाकी एयरपोर्ट से। पिछले 7 किलोमीटर से ही ना दूर दूर से लगा हुआ है न्यू गोवा एयरपोर्ट। न्यू गोवा एयरपोर्ट आपको यहाँ पर आना है तो आपको गूगल मैप में डालना पड़ेगा न्यू गोवा एयरपोर्ट, या तो आप डाल दो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोनों में से कुछ भी डालोगे तो आ जाएगा और आप यहाँ पे आ जाओ, टैक्सी वाले ले आएंगे आपको। और अगर आप यहाँ पे लैंड कर रहे हो और आप रुके हो अर्जुना में, तब थोड़ा बच के क्योंकि आपको चार्ज बहुत लगने वाला है कैब में। और सामने देखो इंडियन फ्लैग है और ये जो पूरी एंट्रेंस बनाई है ना विद रेड कारपेट, बहुत ही कमाल की लग रही है। तो हाँ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। अब अंदर है डिपार्चर्स, ये जो पूरा लुक एंड फील है काफ़ी कमाल का लग रहा है। म्यूज़िक वगैरह भी चल रही है इधर। आई थिंक यहाँ पे जो है ना कैफ़े वगैरह भी आएंगे कुछ समय में और मस्त होने वाला है। जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा अंदर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई आगे ना इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट से अंदर आके जो है एयरपोर्ट का रास्ता है। तो हाँ, काफ़ी अंदर है बोल सकता हूँ, लेकिन जो इन्होंने बनाया है ना पूरा ये एंट्रेंस एरिया, ये पूरा बहुत ही कमाल का है। एंड मैं एक बात बता दूँ, कंपेयर टू जो पहले वाला एयरपोर्ट है गोवा में, वो जो पंजिम के आगे है, वो तो मतलब अलग लेवल वाला, बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही ख़राब एयरपोर्ट है वो, बहुत ही ज़्यादा आपको कोई ऑफिस लगेगा। तो हाँ, उसके कंपैरिजन में कोई मुकाबला ही नहीं है, ये तो दी बेस्ट। और हाँ, ये कोड देख रहे हो GOX, तो इस एयरपोर्ट का जो कोड है दैट इज़ GOX। तो हाँ, अगर आप सर्च कर रहे हो कोई फ़्लाइट अगर जिसमें GOX लिखा है, समझ जाना कि आप आने वाले हो नए वाले टर्मिनल में। तो हाँ, बहुत ही कमाल का है, जो अराइविंग पैसेंजर्स है यहाँ पे बैठ सकते हैं और ऊपर शेड वगैरह भी लगा हुआ है, ये काफ़ी बढ़िया लगा। और सामने ना इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वो बनाए हुए हैं, कार्टून्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये जो लुक एंड फील है ना एयरपोर्ट का, बहुत ही कमाल का बनाता है। देखो ये सामने एक कार्टून बना हुआ है, वो अंकल फोटो भी खींच रहे हैं। और ये पूरा अगर दिखाऊँ मैं बाहर से तो ये एयरपोर्ट देखो ऐसा दिखता है। तो एंटर करते हैं एयरपोर्ट, तो सम गुड टू नो स्टफ। अभी यहाँ से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना वहाँ की फ़्लाइट आपको मिल जाएंगी। अभी अकासा एयर आ चुका है इधर, इंडिगो है, आई थिंक स्पाइस जेट भी है। तो हाँ, ये 3-4 जो हैं एयरलाइंस आ चुकी हैं एंड शायद 2-3 आनी बाकी हैं आई थिंक। सो एयर इंडिया फ़िलहाल शायद नहीं है, नॉट श्योर, डोंट कोट मी। फिलहाल तो लाइन बिल्कुल भी नहीं है, एंटर करते हैं। तो हाँ, ये डोर्स वगैरह भी पूरे ऑटोमेटिक हैं भाई। दिस इज़ द एयरपोर्ट अकासा इंडिगो। हाँ, अकासा और इंडिगो की मुझे फ़्लाइट दिख रही हैं फिलहाल, और तो अभी फ़िलहाल कोई फ़्लाइट नहीं दिख रही। दीज आर दी बोर्डिंग काउंटर एंड ये काउंटर्स देखो, इनका स्ट्रक्चर कितना कमाल का बनाया है, मतलब बहुत ही मस्त लग रहे हैं, बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं। एंड जो लाइट वगैरह लगाई है प्रॉपर, कोशिश की है कि इसको वर्ल्ड क्लास एक लेवल दिया जाए। तो हाँ, ऊपर देख लो सीलिंग वगैरह बहुत ही कमाल की है, मतलब फर्स्ट लुक इस एयरपोर्ट का 10/10, मतलब सीरियसली 10/10। अगर कुछ भी मुझे नहीं लगता 10/10 तो आपको पता है बहुत मुश्किल से ही देता हूँ। तो इन फ्यूचर ये काउंटर्स पूरे भरे रहेंगे, फिलहाल लेकिन खाली है। अकासा एयर में हम ट्रैवल कर रहे हैं, चेक इन करते हैं। बस मैं अपना चेक इन करा रहा हूँ सामान, फिलहाल कोई भी नहीं है लाइन में, लेकिन ये मुझे काउंटर्स काफ़ी बढ़िया लगे, काफ़ी एलिगेंट लगे, इनफैक्ट मुंबई टर्मिनल 2 से भी बेटर लग रहे हैं। क्या देखो, गोवा तो यार वर्ल्ड फेमस जगह है, ठीक है, यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, तो ऑफकोर्स एयरपोर्ट तो अच्छा बनाना ज़रूरी था। तो गाइज, अभी एयर इंडिया विस्तारा नहीं आई हैं, ठीक है, GOX में नहीं आई हैं, मतलब ये मोपा में, बाकी अगले महीने विस्तारा भी आ जाएगी एंड दिस इज माई बोर्डिंग पास। तो हाँ, अब चलते हैं अंदर। एंटर करने के बाद यहाँ पे तो काउंटर्स थे, अब चलते हैं ऊपर डिपार्चर्स की तरफ। ये एस्केलेटर वगैरह मिल जाएगा आपको ऑफकोर्स, और फिलहाल तो अभी इंडिगो के आपको दिखेंगे काउंटर्स एंड बहुत सारे काउंटर्स खाली पड़े हैं जहाँ पर एयर इंडिया या विस्तारा आएगा बहुत ही जल्दी।
तो डोमेस्टिक डिपार्चर्स के लिए सीधा जाना है, इंटरनेशनल के लिए यहाँ से जाना है। हालांकि इंटरनेशनल फिलहाल खुले नहीं है, बहुत जल्दी खुलेंगे बिकॉज फिलहाल तो बिल्कुल रश नहीं, सिक्योरिटी में पूरा खाली पड़ा है। सिक्योरिटी इज डन एंड व्हाट अ स्मूथ सिक्योरिटी इट वाज। सारी की सारी दुकानें हैं एयरपोर्ट के अंदर। देखते हैं भाई यहाँ पे भी कुछ कुछ आने वाला है, पता नहीं यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह करेंगे, फिर कुछ नया नया आने वाला है। एक्सप्लोर करते हैं इस एयरपोर्ट को। एंड आई नो ये कुछ डिफरेंट व्लॉग है, एंड आप में से बहुत लोगों के DMs भी आ रहे थे कि भाई एक बार ज़रा ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ज़रा एक्सप्लोर करो। सबसे पहले तो मेरे को स्टारबक्स दिख रहा है सबसे पहले मुझे स्टारबक्स दिख रहा है। यहाँ पे प्यूमा का भी शोरूम है, हाँ बहुत सारे शोरूम है यहाँ पे। और लुक एंड फील अगेन 10/10, सिक्योरिटी एक्सपीरियंस 10/10। बट हाँ अभी जब आगे जाके रश बढ़ेगा तब देखेंगे कैसे इन लोग मैनेज करते हैं। लेकिन काउंटर्स बहुत सारे हैं, ऑटोमेटिक आप वेब चेक इन भी कर सकते हो एयरपोर्ट पे आके, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। बाकी अभी जब रश बढ़ेगा ना तब जो है असली सिचुएशन सामने आएगी। अभी फिलहाल तो एक हफ्ता ही हुआ, पहले मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ से मैं आया मुंबई कल रात में, रात भर नहीं सोया। और अभी ना आप देख ही रहे हो, जैसे आई डोंट नो मेरी बॉडी में थोड़ा फ़र्क दिख रहा है कि नहीं, एक्सरसाइजेज अभी रेगुलर है, खान पीन थोड़ा मैंने मतलब अपना तरीके वाला चेंज किया है। और हाँ भाई इतनी भूख लग जाती है तो साथ साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी खुद के साथ कैरी करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं कैरी नहीं करूँगा फिर अंट शंट खा लूँगा, डाइट टूट जाएगी, तो वो मैं कर नहीं सकता। तो हाँ भाई थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। जब से मैंने पासपोर्ट बैग रखना शुरू किया है ना तब से मैं एक बार तो रखता ही हूँ अपने साथ। दिस इज़ एक्चुअली मैक्स प्रोटीन की चोको क्लासिक बार। इतना ट्रैवल करना पड़ता है तो अगर मैं अपनी हेल्थ मेंटेन नहीं करूँगा तो ट्रैवल कैसे मेंटेन करूँगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं प्रेफर क्यों करता हूँ ना, इसके बहुत ही यार क्लियर रीजंस है। बैठे बैठे 10 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल जाता है, 4 ग्राम फाइबर है और एडेड शुगर है ही नहीं, नो प्रिजर्वेटिव्स। तो भाई साहब बैठे बैठे इतना कुछ मिल रहा है और क्या ही चाहिए। तो जब भी भूख लगती है ना मुझे, रात में भूख लग गई, शाम को भूख लग गई, अब आसपास मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ है नहीं, है ना, और दुकानों में भी हेल्दी नहीं मिलता क्योंकि मैक्सिमम तो को पता ही है हर जगह जंक ही भरा हुआ है, आजकल हेल्दी मिलना कितना मुश्किल ही है। तो भाई मैं पूरी हेल्थ अपने साथ ही कैरी करता हूँ। दिस इज़ मैक्स प्रोटीन डेली चोको क्लासिक बार। अगर आप भी ट्रैवल करते हो ना मेरे जैसे, चाहे वो ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो एंड साथ में अपनी हेल्थ भी मेंटेन करना चाहते हो, अगर आपको परचेज करनी है तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो परचेज करते वक्त मेरा कोड यूज़ करना Harry20, तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। दो खा चुका हूँ ऑलरेडी, टेस्ट भी, हेल्थ भी एंड ट्रैवल भी। एजिट स्टूडियो भी है, ठीक है, idli.com भी है, अगर आप चाहो तो डोसा वगैरह खा सकते हो, हालांकि प्राइस आपको वही मिलेगा महंगा। एंड ये रहे बोर्डिंग गेट्स जो कि बहुत एलिगेंट, बहुत कमाल के लग रहे हैं। जो लुक एंड फील बनाया है गाइस बहुत ही कमाल का है, हल्की हल्की फीलिंग आ रही है Terminal 3 वाली जो हमारी दिल्ली में आती है। आप खुद देख लो पूरा जो सिस्टम है ऑटोमेटिक है, कुछ भी मैनुअल सिस्टम नहीं होने वाला है, सिर्फ स्कैन करोगे बोर्डिंग पास एंड यू आर ऑल इन। एरोब्रिज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एरोब्रिज तो मेरे को दिख रहे हैं एंड आई थिंक कुछ बोर्डिंग गेट्स नीचे भी होंगे, 6 एरोब्रिज तो दिख रहे हैं मुझे फिलहाल, और कितने एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो जाके देखना पड़ेगा सीरियसली यार। मतलब तो अभी फर्स्ट फेज इनॉग्रेट हुआ है मोपा एयरपोर्ट की, जो कीमत है दैट इज़ अराउंड 2,870 crores। तो पूरा नाम है एयरपोर्ट का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये है इन द ऑनर ऑफ मनोहर पारेकर। तो लगभग 4.4 मिलियन पैसेंजर्स जो है वो हैंडल कर सकता है ये फर्स्ट फेज ऑफ मोपा एयरपोर्ट पर एनम बोल, ठीक है ना, हाँ तो वो चीज़ याद रखना। सोलर पावर प्लांट भी है इस एयरपोर्ट में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन हो रही है, तो हाँ सस्टेनेबल तरीके से बनाया गया है पूरा एयरपोर्ट। तो ये सब चीज़ें मतलब इट्स गुड टू नो स्टफ। मोपा एयरपोर्ट पड़ता है महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे, तो थोड़े से आगे जाओगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा, वैसे नॉर्थ गोवा में है एक्चुअली। तो भाई साहब एक हफ्ता ही हुआ है एयरपोर्ट खुले हुए और इतनी सारी दुकानें हैं अंदर ऑलरेडी सीरियसली। तो हाँ देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। 13 गेट तो मुझे दिख रहे हैं, 13 गेट, ठीक है ना, वहाँ से शुरू हुए हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 11 गेट है, यहाँ पे हमारी बोर्डिंग होगी, यहीं से हम बोर्ड करेंगे। 23 गेट्स हैं टोटल, तो आई थिंक कुछ गेट्स नीचे भी होंगे, आई थिंक एरोब्रिज वाले शायद याले होंगे, एरोब्रिज वाले एंड नीचे जो होंगे वो बस वाले होंगे, और ये फार्मेसी भी आने वाली है फिलहाल अभी। तो जैसा कि मैंने बोला कि हाँ जो जो 21, 22, 23 गेट्स हैं ये नीचे हैं। और एक चीज़ नोटिस करो गाइस, ये चार्जिंग सॉकेट्स इन्होंने यहीं पे दिए हुए हैं, मतलब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट्स में यहाँ पे लगे हैं ना चार्जिंग पॉइंट्स। ऑनेस्टली बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग दिल्ली एयरपोर्ट बहुत पीछे है गाइस। चार्जिंग मतलब ऐसा लगता है कि आज भी 50 साल पुरानी वो चल रही है, उन्होंने बॉक्सेस रखे हुए हैं चार्जिंग पॉइंट्स, लेकिन यहाँ देखो कितना एडवांस तरीके से बनाया है, क्योंकि चार्जिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और सारी पब्लिक पहले वही देखती है कि चार्जिंग सॉकेट्स किधर है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स बने हैं और USB पोर्ट्स भी बने हैं, तो यहाँ पे आप प्लग इन करके आराम से बैठ सकते हो एंड चार्ज कर सकते हो। सिर्फ यहीं पे नहीं, जितनी भी सीट्स देख रहे हो ना लाइन से गेट्स के पास में सब में चार्जिंग पोर्ट्स हैं। दिस इज अमेजिंग।
एंड दिस इज द वॉशरूम. नो डाउट भाई, वर्ल्ड क्लास चीजें लगी हैं इसमें. एंड ये इलेक्ट्रॉनिक है तो हाँ, सेंसर के थ्रू यहाँ पे पानी आ जाएगा. दिस इज द वॉशरूम, अमेजिंग है यार. 10/10. तो आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, इज इट वर्थ कि स्पेशली आप यहाँ से फ्लाइट बुक करो गोवा से निकलने के लिए. तो मेरा आंसर होगा हाँ भाई, इट इज़ वर्थ. बिकॉज कंपेयर टू प्रीवियस एयरपोर्ट, यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत स्मूथ मिलेंगी, बहुत स्मूथ मिलेंगी, सिक्योरिटी स्मूथ मिलेंगी, एंड ये एयरपोर्ट का आप लुत्फ़ उठा पाओगे. इट इज़ वर्थ टू बुक फ्लाइट फ्रॉम हेयर. हालांकि हाँ, अगर आप अंजुना रुक रहे हो या फिर आप थोड़ा और साउथ साइड रुक रहे हो तो आप कर सकते हो बुकिंग पुराने वाले एयरपोर्ट पे. लेकिन हाँ, फैसिलिटीज़ आपको ये वर्ल्ड क्लास वाली नहीं मिलने वाली. एक लाउंज दिखा है एंड काम. हाँ, फिलहाल अभी एक ही लाउंज दिखा है मेरे पीछे, इसके अलावा तो मुझे कोई लाउंज दिखा नहीं. बोर्डिंग होने वाली है शुरू, और कासा एयर का ये रहता ही है, एक घंटा पहले बोर्डिंग शुरू कर ही देते हैं. भाई ये देख रहे हो ना, ये हमारी फ़्लाइट है, अभी आई है मुंबई से और इसी में हम जाएंगे बैंगलोर. अभी इन लोग कनेक्ट करेंगे एरोब्रिज से, ये रहा एरोब्रिज. फाइनली गाइस, लाइन लग रही है. फाइनली गोइंग टूवर्ड्स दी एयरक्राफ्ट. ये देख लो बोर्डिंग के बाद का एरिया, ये भी बहुत कमाल का है. ऑल्सो मैंने किसी को बात करते हुए सुना कि इनका वेब चेक इन फिर नहीं चल रहा, और काफ़ी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम आई है फिर से. अकासा के साथ जो मेरा ख़राब एक्सपीरियंस था, तब भी वेब चेक इन नहीं चल रहा था. आज भी सुनने में आ रहा है कि इनका वेब चेक इन तरीके से ख़राब है पूरा का पूरा, एंड वेबसाइट भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ढंग से. काफ़ी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम आई है, हालाँकि उनकी फ़्लाइट छूटने से बच गई. सब एरोब्रिज भी बहुत ही नया है. This is the interior of our aircraft. Guys, ये aircraft बिल्कुल ही अलग है. मतलब usually तो जो color contrast होता है वो बिल्कुल different होता है, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल ही different है. This is 7378 Max. और उसमें जो आगे seat थी अकासा प्लस प्लस, पता नहीं भाई साहब, मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी explore ही नहीं किया, and I would love to explore. इंटीरियर देख लेते हैं. USB port है जिसका मैं wait कर रहा था, क्योंकि मैं अपना सारा चार्जर वगैरह साथ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन चार्ज करना है, मैं फ़ोन से ब्लॉक करूँगा. एंड यहाँ पे है ट्रे टेबल, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो अपना यहाँ पे, एंड आराम से पिक्चर मूवी इंजॉय कर सकते हो. इनका मेन्यू वगैरह भी है, अकासा कैफ़े बाय द वे. एंड इसमें मेन्यू जो है ना वो अलग लेवल रहता है, मतलब लास्ट टाइम मैंने मंगाया था बहुत कुछ इसमें. एनीवे, तो इंटीरियर तो आप बहुत बार देख चुके हो, एंड ऊपर जो है ब्लोअर वगैरह दिया हुआ है. जो सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, मतलब ये हालांकि जो कॉन्ट्रास्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, कुछ डिफरेंट है. एंड सीट्स कम्फर्टेबल हैं, और सीट की जो विड्थ है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कम्फर्टेबल बोलूँगा मैं. तो ये अकासा कैफ़े, लास्ट टाइम मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया था, आपने मतलब व्लॉग देखा होगा. तो हाँ भाई, जो गोवा का एयरपोर्ट है ना मोपा, थोड़ा आउटर में पड़ता है, तो शहर वगैरह आपको दिखेगा नहीं कुछ भी. तो जो दूसरा वाला है वो पांजिम के पास है, ये थोड़ा सा आउटर में पड़ता है, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर में है ये एयरपोर्ट मोपा. ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया, सारे के सारे वेट कर रहे हैं लगेज के लिए, एक ही बैग है वही घूम ही जा रहा है, लगेज ही नहीं है भाई. सारे पैसेंजर्स का दिमाग खराब हो रहा है, लगेज ही नहीं आया है, मतलब पिछले 40 मिनट से यहीं पे खड़े हैं, लगेज ही नहीं है. ठीक है ना, सारे पैसेंजर्स देखो. तो गाइस, स्टिल वेटिंग फॉर द लगेज. सारी पब्लिक वेट कर रही है, सामान आया ही नहीं है, सामान चढ़ा भी है कि नहीं ये भी नहीं पता. ठीक है ना, तो सबके सब वेट कर रहे हैं. इट्स बीन अराउंड हाफ एन आवर, मैंने कैब वगैरह सब कुछ बुक कर लिया है, नॉट श्योर कि अभी आगे क्या होगा. It's been 9:50. Still we are here. Where is the staff? Where? There is no counter over there, ma'am. I have gone there. 50 minutes, yeah. Since we it's 40 minutes, ma'am. 9:08, the flight has landed. Now it is 9:50. Now 50 yeah. We've been waiting. From last 30 minutes, you are saying that luggage has come. Where is the luggage? Tell the exact thing, no. If any problem, just tell it. We'll sort it out. 9:05 the flight landed actually. Yeah. Now it's 9:51. Yeah. Now it's 9:51.
check it, they are saying infant is not the time. Yeah. I guess showing the infant is there, but... तो गाइस मेरे साथ और भी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने वेब चेक इन किया था इन्फेंट का, ठीक है ना। एंड जब ये एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको बताया गया कि इन्फेंट का रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। तो जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था ना, फ्लाइट बोर्ड करने से भी पहले मैं आपको बोल रहा था कि देयर इज समथिंग, कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखो हमारा सामान ही नहीं आया, मतलब सामान कहाँ से लग गया तो मेरा तो आ गया गनीमत से, बाकियों का पता नहीं किधर है। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये थी मेरी पहली जर्नी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो इन्होंने आखिरी में किया है ना, आधे पैसेंजर्स का सामान तो अभी भी नहीं आया है, लगभग एक घंटा हो गया है, या बीच में कहीं अटका दिया, क्या किया मुझे नहीं पता, कुछ गड़बड़ हुआ है। और वेब चेक इन में भी कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं पैसेंजर्स का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, होने के बाद भी नहीं हुआ, तो कुछ है दिक्कत है। अब बार बार बोलने का मतलब नहीं है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।